हेलो दोस्तों, मैं हूँ आपका होस्ट और दोस्त कुणाल कुमार। बार बार आता रहूंगा आपके दिलों में, जोश जगाता रहूंगा। क्या हो सर, बात करते करते कॉल होल्ड पे रख दो आप। अगर हम डिस्प्यूट लेने पे आ गए ना सर, तो फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। क्या लेने पे आ गए मैडम? अगर कंपनी ने भी आपका फंड इश्यू बताना चालू कर दिया ना, तो फिर आप बहुत दिक्कत में आ जाओगे। मैडम जो क्या आप मजाक करेगी बना रहे हो ना कंपनी का, कंपनी क्या करेगी? सिविल खराब कर देगी। सिविल क्यों खराब करेगी सर? तो क्या करेगी मैडम? सिविल क्या खराब करेगी? आप जैसे लोगों के सिविल क्या मायने रखता है? मैडम वही तो पूछ रहा हूँ, कंपनी क्या करेगी? आप जैसे लोगों के लिए सिविल क्या मैडम, मायने पहली रखता है बात वो ना, बताओ ना। आपकी मैडम एक अथॉरिटी, एक लिमिट होती है, आप लिमिट से बाहर जा रही हो। आपको जितनी आप अथॉरिटी क्या है उतना बोलो आपकी सर। क्या है आपकी क्या है अरे मैडम, मैं तो कुछ भी करूँ, मैं तो रशियन खरीद के खेल रहा, आपकी क्या मैं कुछ भी हो करूँ, आप अपनी अथॉरिटी के आपकी अंदर क्या बोलो। है अरे मैं आपकी कुछ क्या भी करूँ है आपके तेरे लोन से गुजारा तो नहीं कर रहे कम मैडम, से कम? आपका दो चार हस्बैंड तेल हूँ मैं, रोटी तो नहीं खा रहे हैं? आपका हस्बैंड हूँ मैं। अरे सर वो शक्ल भी नहीं दिख रही तो है मैडम सर इतना आपकी क्यों तो। सोच रही हो मेरे बारे में? आपकी जितनी इतना थोड़ा अथॉरिटी ना है हो उतना बोलो सकते हो सर, इतने मैडम। गिरे आप थोड़ा ना हो सकते हो। आपके साथ बदतमीजी कर दी क्या मैंने? आपके साथ किसने कर दी? मतलब अरे मेरे साथ किसी ने की ना आपको दुख हो हो रहा है, दर्द हो मैडम, रहा है, कंपनी अपना पेमेंट दुख मांग रही है दुख आपको, दर्द नहीं हो रहा, और लेकिन आपको आपकी शर्म एक आ रही सीमा है बात होती है करने में? मुँह छुपाने लायक नहीं बच रहे हो क्या आप? क्या हो मैडम। रहा है? मैडम आपकी एक सीमा होती है मैडम, आप उस सीमा के अंदर बोलो, आप आपकी क्या सीमा से बाहर सीमा है? बोलो आपकी सीमा क्या? आप हस्बैंड बोल रहे हो मेरे? मैडम। इतना आप गिरा जो है तो ना नहीं हो सकता है? मैडम, कितना आप गिरे हो जिस आप? हिसाब, कितने मैं गिरे हो? मैडम बड़े कितने पे प्यार से हो? आपको कितने समझा रहा हूँ, पे आप बड़े समझ प्यार तो से गए पूछ रही? कितने पे हो? कितने के हस्बैंड हो मैडम। ये बताओ जरा। मैं आपके हाँ जो है कितने ना, पे हर है? रात का हाँ आपका हस्बैंड हूँ, हर रात का आपका हस्बैंड हूँ, हर रात का। अच्छा, मतलब आपकी बहनों को भी फिर ऐसे खूब होंगे जैसे आपकी आपके हैं? बहनों का क्या करना, आपकी बहन तो आपकी एक, आप बहन, भी बहुत माता हो। पिता सबके नहीं होंगे फिर मैडम, तो? आप भी बहुत मैडम हो, कोई नहीं, बहनों का आपकी क्या करना है, बहनों आप भी बहुत हो। मैं आपको वादा को करता नहीं हूँ कि मैं आपको चॉकलेटी बुखार है, फ्लेवर आपको और कुछ वाइग्रा नहीं की हो गोली तो लेकर ही कमरे में आप पहुंचूंगा। बहनों को नहीं तो मैं मतलब आपसे आपको वादा बुखार है करता हूँ कि मैं तो चॉकलेटी फ्लेवर और आप वाइग्रा की गोली बहनों लेकर ही को कमरे में पहुंचूंगा और आपके साथ 4 घंटे संभोग करूंगा। मैं आपसे वादा करता हूँ। यही करती है तो सर आप नहीं इतना मैडम, बुरा मैं आपसे काम कर वादा रहे हो। करता हूँ, स्ट्रॉबेरी अब फ्लेवर भी काम साथ जो में काम लाऊंगा और 4 घंटे आपके साथ संभोग जैसे करूंगा। लोगों को चूड़ी पहन के बैठे हाँ हो आप मैडम, इतनी चूड़ी बड़ाई? उतार के आपके साथ करूंगा टपा कोई टप। बात नहीं, हाँ कोई बात मैडम, चूड़ी नहीं, उतार के मैं आपके अपनी साथ दुकान करूंगा को टपा लेकर टप। इसको क्लियर कर लेना ठीक है मेरे मैडम, सामने। मेरा आपसे वादा रहा कि मैं हाँ आपके भाई साथ चार घंटे संभोग करूंगा, बस आप हाँ कर दो। और बताओ मैडम, आपकी बहन भी बोल रही है क्या कि उसे मेरा ही चाहिए? कोई नहीं, उसको मैं अपना भी दे दूंगा, लेकिन जो है ना, मैं दोनों के साथ दो दो घंटे अरे करूंगा। पागल, ओके मैडम, दोनों के साथ दो दो तो घंटे। ओके आप मैडम, यही काम होता है तब तो फिर मैडम आपको काम लोन होता है, करना मैं होगा। सेटिस्फाई करता हूँ, मैं औरतों को सेटिस्फाई करता हूँ, आप जैसे, आपको भी अच्छा तो सेटिस्फाई कर कमाई दूंगा, बहुत एकदम मजा अच्छी दिला है आपकी, दूंगा। कमाई बहुत अच्छी है मैडम इस पे, वो भी अपनी देती है और ऊपर से 4,000 रुपये देती है मैडम, वो अपनी भी देती है और 4,000 रुपये भी देती है। मैं आपको भी सेटिस्फाई कर दूंगा मैडम, चॉकलेटी फ्लेवर और चिस्तपुरी दोनों लेके आऊंगा और वाइग्रा की गोली, ठीक है? दो दो घंटे करूंगा। हेलो हेलो हाँ तू भी है? मैं कह रहा रितेश हाँ हेलो, जी, हाँ बताओ। अरे रितेश कुकरेडा हाँ, रितेश कुरकुरा ही बोल रहा हूँ, बताओ। हेलो, अरे बोलो ना, कहाँ क्या चल चले रहा है? क्यों गए? आवाज आ रही है? हेलो अरे तू तो आवाज मेरी नहीं आ रही है, तेरे उधर से आ रही होगी यार। अरे यार अब बोल नहीं रहे। हेलो अरे यार चल कोई नहीं, मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूँ, बाकी कुछ बोल रहा हूँ तो बोल ले। वो तो बहुत बोल रही थी यार तेरी दीदी। हेलो, हेलो मोहित मोहित जी बात कर रहे हैं सर। जी, बात करना सर मैं रूबी बात कर रही हूँ डिसन के पे आपसे। मैडम? सर रूबी, आपके कार्ड की पेमेंट, हाँ जी सर मैं रूबी बात कर रही हूँ। सर आपके कार्ड की पेमेंट ड्यू चल रही थी सर, आप पेमेंट क्यों नहीं करा रहे, क्या इशू है सर? पंडित तो सर आप सेटलमेंट करा लीजिए, आपका कम अमाउंट में सेटलमेंट हो जाएगा। सेटलमेंट की अमाउंट आप मुझे दोगे अपने घर से? हाँ जी सेटलमेंट की अमाउंट आप सर, अपने घर से दोगे मुझे? नहीं, आपने जब पैसा यूज किया था तो मेरे घर से लिया था, आप बोलो तो ले लूंगा आपके घर से। हाँ आप बोलो तो मैं भी आपको जवाब दे रही हूँ ना सर, जैसा सवाल तो आपने वही तो पूछा बोल है रहा हूँ, सर। आप बोलो तो आपके घर से ले हाँ लूंगा। हाँ आपने मेरे घर से लिया था मैडम मैं अगर आपके घर पे आता तो बहुत कुछ लेके जाता, पैसे नहीं और भी कुछ ले जाता। तो
सर मैं भी अगर तुम्हारे घर पे आ गई ना तो तुम्हारे घर पे से आके ऐसा कुछ लेके जाऊंगी ना कि तुम घर में रहने लायक नहीं रहोगे सर। मैडम अगर आप कुछ ले गई ना तो आपको 50,000 का नाम दुकाओ ले जाओ। हाँ तो आप पैसा दे के दिखाओ, आपके बस की तो है नहीं सर 50,000 देने की, बस बैंक कोई नहीं है आपकी। आपका नाम दूंगा ना, आप घर पे आ जाओ। आप एक काम करो, आप कल रात को आ जाना, आप कल रात को आ जाना 11:30 बजे घर पे, आपको 50,000 रुपए दे दो। तमीज नहीं है सर आपको बात करने की? मैडम बतमीजी तो कुछ की नहीं है अभी। आप अपने घर में भी ऐसी बात करते हैं? बदतमीजी की कब है? अरे बदतमीजी की कब है मैंने आपसे? तो ये किस तरीके से बात कर रहे हैं? मैंने बोला आप 11:30-11 बजे आ जाना, आपको 50,000 रुपए देता हूँ। मेरे घर से कुछ ऐसा लेके जाना जिससे मैं घर से बाहर हो जाऊँ, ठीक है? आ जाओ। अच्छा। तो अब आप मेरे को ये बताओ, ये पेमेंट करानी है नहीं करानी? पेमेंट नहीं करानी। क्यों नहीं करानी? इश्यू बताओ क्यों नहीं करानी। मनी प्रॉब्लम कितनी बार बताऊँ, एक ही बात मैं रोज बताता हूँ, परेशान होता हूँ। बताओ सर, इतनी अच्छी जगह आप जॉब कर रहे हैं सर, पैसा आपके पास है, फिर भी आप कह रहे पैसा नहीं है दिल्ली में? तो मैडम जैसे ना, जैसे मान लो, नहीं मान लो, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। जैसे मान लो मैडम, आपको अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैडम उस प्रॉब्लम का दर्द दुख आप ही जानती हो, दूसरा नहीं जानता। दूसरा बस मुंह खोल के कह सकता है कि नहीं है कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं, लेकिन उस प्रॉब्लम के अंदर का दर्द दुख आप ही जानती है, तो वैसे ही ना आप समझोगी नहीं। सर मैं समझ, आप मेरी बात सुन रहे हैं? सर देखिए, जिसके जो प्रॉब्लम में होता है ना, वही बंदा पैसे नहीं दे पाता, ठीक है? सबसे बड़ी प्रॉब्लम पैसों की होती है। अब सर बैंक आपको 1,18,000 छोड़कर आप सेटलमेंट कर रहे हैं, आप फिर भी सेटलमेंट नहीं कर रहे सर। हम बैंक को आपसे अपना पूरा पैसा भी नहीं ले रहा। मैडम आप तो एक्सेस से बोल रही हो, SBI वाले 4 महीने से बोल रहे हैं सेटलमेंट करने को, अब तक सेटलमेंट नहीं किया, पैसे ही नहीं है देने के लिए। और ऐसे कैसे पैसे नहीं है आपके पास सर? आप गलत बोल रहे हैं, आपकी प्रोफाइल भी अच्छी है सर, आप जॉब भी अच्छी तरह अच्छी जगह करते हैं। वही तो प्रॉब्लम है मैडम, अमाउंट है सर, मैं समझा नहीं सकता और आप समझ नहीं सकते। कोई बात नहीं सर, आप समझा, आप समझाना नहीं चाहते। कितने में सेटलमेंट कराओगे आप एक्सेस का? 35,555 रुपए में आपका सेटलमेंट हो जाएगा। टोटल आउटस्टैंडिंग कितनी है इसकी? 1,18,000 518 रुपए। नहीं मैडम इसकी ना 1,18,000 में, रुको मैं देखता हूँ कितने दे सकता हूँ। बताओ, मैंने तो आपको बता दिया 35,555। मैं इसके 17,700 रुपए दे सकता हूँ 15%, मेरे पे इतना मनी है, अगर आप इसमें करवा सकते हो तो। कितने दे सकते हैं? कितने? 17,700 रुपए 15%। 15% सर, 15% पे आपसे बैंक, आपने बैंक से लिया था, अगर आपने जो पैसा यूज करा है आप उसको भी 15% लगाओ, तो आप वो लगा के बता रहे हैं, तो बैंक को फायदा क्या हुआ आपको पैसा देने का? मैडम बैंक को फायदा ये हुआ कि जो मुझसे नीचे लेवल के कस्टमर है ना, जिनको ज्ञान नहीं है, उनको बैंक ने डरा धमका के बहुत पैसा निकलवा लिया, ये फायदा हुआ बैंक को। अच्छा, तो सर आप उनकी रिकवरी कर रहे हैं क्या? हाँ उनकी रिकवरी कर रहा हूँ, आपने जो कई करोड़ रुपए कमा रखे हैं ना, तो मैं ये डिफॉल्ट करवा रहा हूँ। अच्छा, समझ गए। तो सर इतने में तो नहीं हो पाएगा सर, 30% में ही होगा, बाकी क्या कौन देगा बताओ? 70% तो नहीं ले रही ना बैंक आपसे, या तो फिर पूरा 100% करवा दो आप। तो ठीक है मैडम, 100% जो है ना, 100% 2050 में जो है ना करवा दूंगा। अच्छा, आपके मरने की डेट वही है क्या सर? नहीं मरने की डेट नहीं है, मरूंगा 2051 में, 50 में आपका दे के मरूंगा, ठीक है? अरे नहीं सर, मुझे तो लग रहा है आप जल्दी ऊपर जाएंगे। मैडम आपको लग रहा है आपके लगने से, मैडम अगर आपको लगेगा मैं PM बन जाऊं तो आप बन छोड़े जाओगे, आपके लगने से क्या होता है? लग तो मैडम पता है मुझे क्या रहा है, लगने को तो मुझे लग रहा है मैं कल को एक्सेस खरीद लूंगा, उसके बस की नहीं है पैसा देना। मैडम लग तो मुझे रहा है कल को मैं एक्सिस बैंक खरीद लूंगा, तो क्या खरीद लूंगा, लगने से क्या होता है? अच्छा, ये रहा है कि आप पैसे नहीं दे सकते, आपकी बस की नहीं है पैसा देने की। जब मैडम आपको लग रहा है तो इतनी बात क्यों कर रही हो, डिस्कनेक्ट कर दो कॉल। क्यों? पैसा क्यों नहीं लेना आपसे? मैं हूँ पैसा लेने के लिए। आ जाओ फिर मैडम 11:30 बजे, 11:30 बजे रात को घर पे आ जाना, आपको पैसे दे देता हूँ। 11:30 बजे नहीं, आपकी मम्मी ने, आपकी मम्मी ने, आपकी मम्मी का क्या करूँगा?
अरे आपकी मम्मी का क्या करूंगा, बेचारी बुजुर्ग हो गई है, आप सही है ना, आप आओ 11:30-11 बजे आप चले जाओ घर से। देख ली तूने आपकी मम्मी, मैंने देख ली आपकी मम्मी ऊपर से नीचे तक देख ली, क्या मम्मी है। दोस्तों आइए साथ मिलकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ते हैं। ये जो रिकवरी एजेंसियां हैं, रिकवरी एजेंट हैं, या फिर यूं कहूं कि बैंक और NBFC हैं, जो हमारे अधिकारों को कुचलकर रिकवरी करते हैं, इनसे अपने अधिकार छीनते हैं, लड़ते हैं, अपने अधिकार मांगते हैं। मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।